how to get incoming call details and outgoing calls details. So how to get incoming call details and outgoing call details in your Android mobile. तो गाइस यहाँ पर इस स्टेप एंड प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पर आप गाइस इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स की जो डिटेल्स है यानी कि कॉल हिस्ट्री है उसे आप कैसे निकाल सकते हो. तो पहली बात गाइस, आज के डेट में जो ज़्यादा पॉपुलर जो सिम कार्ड्स है, जैसे कि आज के डेट में एयरटेल है, उसके बाद वी आई है यानी कि वोडाफोन आइडिया का मर्ज हुआ वी आई सिम कार्ड है, थर्ड है माई जियो एप्लीकेशन. तो आज के डेट में तीन ऐसे सिम कार्ड है जो काफ़ी ज़रा यूज़ में आ रहे हैं. तो यहाँ पे गाइस अगर आपके पास सिम कार्ड है, जैसे कि अब मेरे पास है गाइस यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन, तो यहाँ पे गाइस जो भी सिम कार्ड है जैसे कि एयरटेल हो गया या वीआई का सिम कार्ड हो गया, तो उसमें भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप जो कॉल हिस्ट्री है उसका डिटेल आप निकाल सकते हो, बिकॉज इन तीनों प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन है. एयरटेल का भी गाइस एक प्लेटफॉर्म है एयरटेल एप्लीकेशन के नाम से. उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको वीआई का जो सिम कार्ड उसका भी एक एप्लीकेशन मिलता है माई वीआई करके. और अगर आप जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हो तो जियो के सिम कार्ड में भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे कॉल हिस्ट्री डिटेल यानी कि जो इनकमिंग कॉल्स हैं, जो आउटगोइंग कॉल्स हैं, उनकी कॉल डिटेल्स को आप निकाल सकते हो माई जियो एप्लीकेशन का यूज़ करके. तो यहाँ पे गाइस मैं लाइव आप लोगों को माई जियो एप्लीकेशन का यूज़ करके, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो जियो का सिम कार्ड का यूज़ करके आप अपने कॉल डिटेल्स को कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे मैं आपको लाइव मेथड करके बताऊंगा. और इसमें आपको एक रुपये भी देना नहीं आता है, ये जियो का ही एक फीचर है. अगर आप माई जियो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है और आप, तो ऐसे में गाइस आपको माई जियो एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप जियो के नंबर का इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स का डिटेल्स अगर आप निकालना चाहते हो. तो यहाँ पे गाइस अभी मेरे पास जियो का सिम कार्ड है, तो मैं अपने जियो के सिम कार्ड का कॉल डिटेल्स निकालूंगा माई जियो एप्लीकेशन का यूज़ करके. तो आज के डेट में गाइस मोस्टली तो यूजर्स जियो सिम कार्ड को यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो अभी से बात है आप अपने जियो के सिम कार्ड का कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो. बस आपको अपने मोबाइल में माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अपने जियो के नंबर से उसको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा. अगर आपके फैमिली में भी किसी के पास जियो का सिम कार्ड है और आपके पास नहीं है, तो आप अपने फैमिली में किसी मेंबर का इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल का डिटेल्स निकाल सकते हो. तो यहाँ पे क्या सब मेरे मोबाइल का मैं अपने जो जियो का सिम कार्ड है उसको मैंने इसके अंदर लॉगिन कर लिया, उसका मैं इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल का डिटेल निकालना चाहता हूँ. तो इसके लिए मैं सिंपल से जाऊँगा मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा. यहाँ पर आपको माई यूसेज का एक ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है. टैप करने के बाद यहाँ पर आप अपने मोबाइल के डेटा का भी डिटेल्स निकाल सकते हो, स्टेटमेंट कॉल का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हो और एसएमएस का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हो. तीनों आपको फ्री है, तीनों में से किसी का भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो. तो यहाँ पर मैं अपने कॉल्स का इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल का डिटेल निकालूंगा, तो मैं कॉल्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा. उसके बाद नीचे की तरफ आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है. उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है कौन से डेट का आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हो. तो अगर आपको एक महीने, दो महीने, तीन महीने का स्टेटमेंट निकालना है, तो आपको कस्टम डेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. फिलहाल यहाँ पर मैं गाइस लास्ट 7 डेज का स्टेटमेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं 7 डेज मैंने सेलेक्ट किया है. उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट ले सकते हो, डायरेक्टली आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो. उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है व्यू स्टेटमेंट, तो आप सिर्फ इसमें देख भी सकते हो. तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हो. फिलहाल मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा व्यू स्टेटमेंट, तो उस पर मैं टैप करूँगा. टैप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएगा यूसेज का, तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको यूसेज चार्जेस का एक ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है. उसके बाद आपको वॉइस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वॉइस के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा. तो ये रहा गाइस मेरा पूरा का पूरा कॉल डिटेल्स, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है. और यहाँ पर आप गाइस इजीली कॉल डिटेल्स को निकाल सकते हो अपने जियो के सिम कार्ड का. तो बेसिकली गाइस अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड नहीं है, अगर आपके पास एयरटेल है या वीआई का सिम कार्ड है, तो एयरटेल के एप्लीकेशन में माइट भी ऐसा प्रोसेस सेटिंग्स होगा जिससे कि फीचर्स होगा जिससे आप अपने कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो. अगर आपके पास वीआई का भी सिम कार्ड है तो वीआई के सिम कार्ड से भी आप निकाल सकते हो. इसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट से आपको क्वेश्चन पूछना होगा, वो आपको बताने कि कैसे निकलता है. लेकिन जियो का अगर आपके पास सिम कार्ड है, बिकॉज आज के डेट में मोस्ट ऑफ द यूजर्स जियो के सिम कार्ड का यूज़ करते हैं, तो ये जियो के सिर्फ ऑनली जियो यूजर्स के लिए, जिसके पास जियो का सिम कार्ड है वो इजीली कॉल डिटेल्स इस तरीके से निकाल सकते हैं. कुछ भी अगर आपको डाउटिंग क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हैं.